बाराबंकी से बड़ी खबर। थाना सादनाला क्षेत्र में बाराबंकी पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। बाराबंकी पुलिस प्रशासन ने गोवंशीय पशुओं को वध तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्य अभियुक्त की अचल संपत्ति कीमत लगभग 20 लाख रुपए को धारा 54 गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दिया गया है। तो ये पूरा मामला थाना सादनाला क्षेत्र का है। देखिए रिपोर्ट क्या कहा अपर पुलिस अधीक्षक बाराबंकी ने। सुनो, सर संबंधित को सूचित किया जाता है कि अभियुक्त फुरकान और फुरकान पुत्र असगर निवासी सराय सालेम थाना असंद्रा, जो कि गोकसी का अपराधी है, जिसके द्वारा अवैध कत्तों से संपर्क अर्जित की गई है। अभियुक्त के विरुद्ध जनपद बाराबंकी में कई विभिन्न थानों में गोकसी और गैंगस्टर के अभियोग पंजीकृत है, जिसके विरुद्ध गैंगस्टर के तहत श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा संपत्ति कुर्क की जा रही है। बाराबंकी में लगातार ड्रग के अवैध कारोबारियों और गो तस्करी में संलिप्त जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई, गैंगस्टर माफिया के रूप में चिन्हीकरण आदि कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल थाना जैतपुर के द्वारा अवसार नामक एक ड्रग के अवैध कारोबारी जो गैंगस्टर एक का अभियुक्त रहा है, उसके खिलाफ 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति जो उसकी लखनऊ में थी उसको कुर्क किया गया है, जब्त किया गया है। और यहाँ पर यह भी बताना महत्वपूर्ण होगा कि लगभग ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के क्रम में 150 करोड़ से अधिक की संपत्ति गैंगस्टर एक के तहत जब्त किया गया है। अकेले थाना जैतपुर के द्वारा लगभग 35 करोड़ रुपए की संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई किया गया है। इसी क्रम में थाना हैदरगढ़ के द्वारा फुरकान नामक एक अपराधी है जो गो तस्करी में संलिप्त रहता है, उसके खिलाफ भी संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई के तहत लगभग 24 लाख से अधिक की संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। और यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि ऐसे जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ जनपद बाराबंकी की पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।